नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाले राजिम मेले की शुरुआत कल से होने जा रही है। देश विख्यात राजिम मेला में प्रदेश ही नहीं अपितु देश और विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग राजिम पहुंचते हैं। इन दिनों कोविड-19 के संक्रमण का दौर जारी है, जिसे लेकर भी प्रशासन और पुलिस द्वारा एहतियात बरता जा रहा है। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजिम मेले के दौरान हजारों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही 130 सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के जवान सादी वर्दी में मेला स्थल पर मौजूद रहेंगे। वहीं पुलिस कंट्रोल के साथ साथ राजिम मेले में 8 पेट्रोलिंग के जरिए लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। राजिम मेले के दौरान मीना बाजार लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेगा और मीना बाजार में भी पुलिस कंट्रोल रूम और सादी वर्दी में जवानों को तैनात किया जाएगा, जो पॉकेट मारो और मंचलों पर नजर रखेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से मेले को सफल बनाएंगे। मेला यहाँ पे शुरू हो रहा है और इसके लिए पुलिस प्रशासन अपनी सुरक्षा की सारी व्यवस्था ने कंप्लीट कर लिया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे राजिम शहर को में लगभग हमने 130 सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं और यहाँ पे जो मुख्य मंच है आप देख रहे हैं, स्टॉल लगे हैं, सरकारी स्टॉल लगे हैं और कुलेश्वर महादेव तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं उसमें भी सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। सभी जगह पर्याप्त मात्रा में लगाए हैं। इसके अलावा हमारे इस मेला जो कि 15 दिन चलने वाला है, इसमें पुलिस के अधिकारी और जवान लगे हैं, जिनकी संख्या लगभग 1100 है और सभी अधिकारी और जवान इस मेला को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए मुस्तैद हैं। पुलिस का इसके अलावा देखिए, एक मुख्य कंट्रोल रूम तो हमारा यहाँ मेला स्थल में है ही, इसमें पुलिस का और प्रशासन का दोनों का कंट्रोल रूम है। इसके अलावा इस बार हम लोगों ने 8 पेट्रोलिंग लगाए हैं। पिछले बार शायद कुछ घटनाएं बाहरी इलाके में हुई थी, इसकी शिकायत पुलिस को मिली तो हमने इसकी पेट्रोलिंग की संख्या बढ़ाकर इस बार 8 किया है। इसके अलावा जो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, ऐसे ऐसे बड़े जगहों पे हमने अस्थाई पुलिस सहायता केंद्र जैसा कि कोपरा है, बारूका है, पांडुका है यहाँ पे और फिंगेश्वर रोड में बोरसी है, यहाँ पर भी हमने पुलिस का अस्थाई कैंप लगाकर 24 घंटा वहाँ पे कर्मचारियों को तैनात किया है। ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी ऐसा कुछ नजर रखेंगे? हाँ, इसके भी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कलेक्टर साहब से इस संबंध में बात हुई है। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाए। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।